अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, राम कृष्ण महावीर का मार्ग अलग अलग था कि एक ही था, ये समझना है? राम कृष्ण महावीर तीनों का मार्ग एक ही था, तीनों का मार्ग अलग अलग नहीं था। मूल पुरुष जो मार्ग बताते हैं वो भेद नहीं होता है, अभेद होता है। मूल पुरुष जाने के बाद लोग उसी मार्ग को संप्रदाय बना देते हैं और उसका तत्व खत्म हो जाता है। हालांकि जैसे अगर मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ तो मैं उनकी बात करूँगा तब कृष्ण और महावीर को गौण कर दूंगा, यानी वही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, वही बताने की कोशिश करूंगा एक धर्मगुरु के नाते। जब कोई कृष्ण को मानने वाला है और वो उसका धर्मगुरु है तो कृष्ण भगवान ही श्रेष्ठ थे और महावीर और राम को वो गौण कर देंगे अपनी भाषा से। और अगर कोई महावीर की बात करेंगे तो महावीर को इतना बड़ा बता देंगे जिसमें राम और कृष्ण को गौण बना देंगे। तो इसी प्रकार के हमारे यहाँ धर्म संप्रदाय के अंदर एक प्रकार का छोटा बड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है, हालांकि मूल पुरुष कभी ऐसा प्रयास नहीं करते हैं। तो मैंने अपने सत्संग में पहले भी कई बार कहा है कि राम कृष्ण महावीर तीनों का एक ही धर्म था, वो था आत्मधर्म। तीनों आत्मा की ही भक्ति करते थे। राम भी आत्मा की भक्ति करते मोक्ष में गए, कृष्ण भगवान की भी आत्मा की भक्ति करते थे और महावीर भी आत्मा की भक्ति करते मोक्ष में गए। तीनों की भक्ति, पुरुषार्थ, धर्म एक ही था। इनके जाने के बाद राम का धर्म अलग हो गया, कृष्ण का अलग हो गया और महावीर का अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? धर्म गुरुओं को अपना संप्रदाय को स्थापित करने के लिए। अगर मैं राम को बड़ा कहूँगा तभी लोग राम के लिए मंदिर बनाएंगे, पैसा देंगे, संस्था बनाएंगे, समारंभ करेंगे राम को मानने वाले, और इसलिए मैं उसको बड़ा बताता हूँ। कृष्ण भगवान वाले कहेंगे कि मैं कृष्ण को इसलिए बड़ा बता हूँ, कृष्ण के बहुत मंदिर बनेंगे, उनके नाम से पैसा मिलेगा, बहुत सारा फंक्शन करेंगे, उनकी किताबें छपवाएंगे, फ़ोटो छपवाएंगे, यानी उसकी पॉपुलैरिटी अपने लिए करना है, उनके लिए करना नहीं है, वो तो चले गए। ऐसे अगर मैं महावीर को बड़ा बताता हूँ तो मैं कहूँगा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म महावीर ने बताया है और उनकी मैं भजना करवाने के लिए बताऊंगा। तो मेरे को आज भजवा महावीर की इसीलिए करना है ताकि मेरे को 5 मंदिर बनाना है तो पैसा कहाँ से लेना है? लोगों के पास। तो मैं खुद की बड़पन कर बताऊँगा, लोग पैसा देंगे? नहीं देंगे। मैं महावीर की करूँगा तो ही देंगे, आप समझे? तो एक पैसे का चक्कर ऐसा हो गया ताकि जो मूल धर्म वो मूल धर्म के रूप में नहीं रहा और सांप्रदायिक धर्म शुरू हो गया। आज हम जिसको भगवान मानते हैं क्या हम इसको फॉलो करते हैं? क्या राम ने अपना एक भी टेंपल बनाया था? क्या कृष्ण ने एक भी टेंपल बनाया था कृष्ण भगवान का? क्या महावीर ने एक भी टेंपल बनाया था? महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो गए थे, महावीर ने एक टेंपल बनाया था? नहीं बनाया था। तो क्या हम सब राम कृष्ण महावीर से ऊपर जाना चाहते हैं टेंपल बना के? इससे ऊपर जाना चाहते हैं? नहीं। इससे बड़ा होना चाहते हैं? तो ये गलत है, रास्ता भटक गए। मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है, वो सामाजिक कार्य है। क्या है? जैसे हम हॉस्पिटल बनाते हैं स्वास्थ्य के लिए, इसीलिए मन की भावनाओं को अच्छा करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर बनाना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। इसको भगवान से जोड़ के लोगों के पास पैसा कलेक्शन करने का साधन और वो भी धर्मगुरु करेंगे तो वो धर्म अपने आप भ्रष्ट हो जाएगा। ये धर्मगुरु का काम नहीं है, ये सामाजिक काम है। क्या है? जैसे कोई सामाजिक संस्था होती है समाज उत्थारक, ऐसे मंदिर बनाना वो भी सामाजिक कार्य है, आध्यात्मिक कार्य नहीं है। इसलिए जितने भी महान पुरुष हो गए कभी मंदिर नहीं बनाते थे, 24 तीर्थंकर हो गए, एक भी नहीं एक मंदिर नहीं बनाया, खुद ने नहीं बनाया। नहीं बनाते हैं ना, मंदिर बनाना उनका काम है, समाज का काम है, समाज बनाए ना बनाए उनकी मर्जी की बात है। जो त्यागी होते ये उसमें नहीं पड़ते हैं, उनका काम क्या है? खुद भी साधना करना और साधना करते करते जो भी उन्होंने पाया है अनुभव के माध्यम से, किताबों के माध्यम से या चारित्र के माध्यम से, वो सबको शेयर करते हैं,
यही उसका जीवन होता है और आगे बढ़ते हैं। उनके लिए कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति उनकी मालिकी का नहीं होता है। तो साधुओं का काम सामाजिक व्यक्तियों को समाज में से आध्यात्म के कैसे जाएं वो रास्ता बताना है, और समाज के लोगों को समाज की उन्नति कैसे होवे वो बताना है। दोनों का मार्ग क्या है, अलग है, मगर दोनों अपनी जगह पे सही है। जिसको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है उनको साधु और सन्यासियों को फॉलो करना चाहिए, जिसको समाज में आगे लाना है उसको सामाजिक व्यक्ति जो होती है सोशल रिफॉर्मर, इनको फॉलो करना है। और दोनों अपनी जगह पे क्या है, जरूरी है। सामाजिक उत्थान भी जरूरी है और मुक्ति का मार्ग भी जरूरी है, दोनों गलत नहीं है। मगर आज मुक्ति के मार्ग में जाने वाले बहुत कम है परसेंटेज, और समाज के अंदर दिखावे करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। समाज के अंदर जो डेवलप व्यक्ति होती है इनको अगर प्रोफेशनल डिग्री के साथ जोड़ दिया जाए तो वो आध्यात्म के मार्ग में वो डिग्री उसके बीच में आ जाती है, क्या आ जाती है। और इसीलिए जो जिसको मुक्ति के मार्ग पे आके जाना है उनको सोशल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्या नहीं होती है, और वैल्यू होनी नहीं चाहिए। वो दिखावे की ज़रूरत नहीं, जहाँ इसको बिजनेस करना है, जॉब करना है तो इसकी इम्पोर्टेंट है। जब मेरे को मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो मैं डॉक्टर की डिग्री है मगर क्यों दिखाऊँगा, दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन फॉर मोक्स, नो। फिर भी दिखाते हैं क्योंकि आज भी मैं डॉक्टर हूँ वो उसके दिमाग में से नहीं गया है। और साधु लोग जो है, आचार्य भगवंत हैं, वो क्या सोचते हैं मालूम है आपको, कि मेरे पास जो MBBS डॉक्टर था वो मेरा शिष्य बना। अभी का जो सामाजिक वातावरण है वो भय का वातावरण है, और परिवार के अंदर जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है सच्चा प्रेम, वो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा देने का जो तरीका है वो भी एक प्रकार का प्रेशर होता है, क्या होता है। तो ऐसे जो बच्चा होता है, लड़का लड़की होता है, वो 15-20-25 साल तक प्रेशर में जिया। उन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया तो भी प्रेशर में, खेलने गए तो भी प्रेशर में, सोशल भी प्रेशर, रिलीजियस प्रेशर, सब प्रेशर में जीते हैं। तो जहाँ इसको प्रेम मिलता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है। आज बच्चे लोग भी क्या करते हैं, 22-23 साल के होते कहीं प्रेम मिल जाता है तो शादी कर लेते हैं, न कास्ट देखते हैं न कल्चर देखते हैं। हर व्यक्ति को वश करना इतना ईजी हो गया है क्योंकि हर व्यक्ति तनाव में है, क्या है, अलग अलग प्रकार का तनाव हो सकता है मगर तनाव में है। और हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या चाहता है, प्रेम चाहता है, क्या चाहता है। तो जहाँ प्रेम मिल जाता है ज़्यादा वो वहाँ क्या करता है, अपने आप गिर जाता है वो। फिर उसके पीछे प्रेम करने वाले के अंदर कपट है वो नहीं देखेगा, क्योंकि बाहर जो उन्होंने गुस्सा देखा है, बाहर जो उन्होंने कड़काई देखी है, बाहर जो उन्होंने इंसल्ट देखा है वो तो बाहर देखा है। और अभी बाहर वो सामने वाला व्यक्ति प्रेम दिखाता है भले अंदर कुछ भी है, तो वहाँ गिर जाता है और उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। जब बड़े हो जाते हैं 50 साल के बाद तो वो मैच्योर हो जाते हैं कि जबान अलग चीज़ होती है और उसकी सच्चाई अलग चीज़ होती है। वो तब समझ में आता है आफ्टर 50, वहाँ तक समझ में नहीं आता है तो वहाँ तक फंसना आसान हो जाता है, उनको फंसाना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मेरी तो सोच यही है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपना जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, चाहे सामाजिक है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे बिजनेस का है, वो कर्तव्य निभावे। और कर्तव्य निभाते निभाते ही वो आध्यात्म के मार्ग में ज्ञान से आगे बढ़े और बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार छोड़ना है, ज़रूरी भी नहीं है, और समय आएगा तो अपने आप छूट भी जाएगा, मगर वो दिखावा नहीं होगा, आप समझे। मगर अभी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तो दिखावे में आके, बहकावे में आके हम जिस प्रकार से धर्म के मार्ग में चल जाते हैं, फिर 5 साल के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिर हम यहाँ आए क्यों आए थे। मगर आने के बाद मालूम हुआ 5 साल के बाद कि हमने जो सोचा था ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ नहीं है, मगर क्या करोगे, उस समय तो आप फंस चुके हो। तो इसीलिए हो सकता है कि लोगों के मन में, खास करके यंग जनरेशन के मन में ये ऐसा सोच आए कि हम जो भी कुछ काम करना चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, किसी के बहकाव में आके हम आगे नहीं बढ़े। अपने आप को स्वस्थ रखे, स्थिर रखे। ज्ञान में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मन,
आपका चित शांत और स्थिर रहेगा, तभी आपके अंदर सोचने की डीपनेस आएगी। जब आपका मन कंफ्यूज होगा, आपका चित बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, तो आपके अंदर सोचने की डीपनेस नहीं आएगी। तो छिछड़ापन के नाते कभी भी कहीं भी आप गिर सकते हैं या तो फंस सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बात करने से पहले ज़्यादा ब्रॉड विज़न से सोचो, जिसमें हमारा भी भलाई है, समाज का भी भला होता है, और हमारी आध्यात्मिक भी उन्नति हो सकती है, समाज और धर्म का भी उद्धार हो सकता है। ऐसा हम रास्ता चुनेंगे तो हम सब के लिए अच्छा है। स्वामी जी, आपने श्री राम कृष्ण महावीर ने खुद के आत्मा की भजना की थी, आराधना की थी, तो वो कैसे? राम कृष्ण महावीर ने आत्मा की भजना करके ही तो मोक्ष में गए थे। हालांकि समाज में अभी क्या हो गया कि लोग राम कृष्ण महावीर की भक्ति करवाते हैं, और इसीलिए हम यहाँ भटक रहे हैं। राम ने राम की भक्ति नहीं किया था, कृष्ण ने कृष्ण की भक्ति नहीं किया था, और महावीर ने महावीर की भक्ति नहीं किया था। तीनों ने आत्मा की भक्ति किया था, तभी तो मोक्ष में गए। और तीनों का शरीर तो यहाँ जला दिया गया, और जो शरीर को जला दिया गया उसकी हम भक्ति करते हैं, और भक्ति करने का दिखाते भी हमको है। जिसका जीवन समाप्त हो गया वही जीवन को हम क्या करते हैं, फॉलो करने का प्रयास करते हैं। आखिर उन्होंने आत्मा की भक्ति किया तो वो मोक्ष में गए, हम उनकी भक्ति करेंगे तो पुण्य मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमको ये बात सोचना है, हमको राम कृष्ण महावीर का विरोध नहीं करना है। राम कृष्ण महावीर जिस रास्ते पर चल के मोक्ष में गए उसी रास्ते को चुनना है। मगर आज मैंने कहा न कि आज गुमराह हो गए धर्म के माध्यम से, तो इसीलिए व्यक्तिगत स्वार्थ के नाते, सांप्रदायिक स्वार्थ के नाते लोग हर धर्म के अंदर ऐसे गुमराह करते हैं, और लोग इसमें फिर फंस जाते हैं। और सच्चा रास्ता जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबको ये आध्यात्म विज्ञान मिले, सही दृष्टि मिले, सही सोच मिले, सही दृष्टि मिले और आगे बढ़े, यही हमारी तो मंगल भावना है, मंगल कामना है सबके लिए। हम लोग श्री राम को मानते हैं इसलिए यही गम रहे, और वो आत्मा की भजना करते थे इसलिए वो मुक्त हो गए। राम तो व्यक्ति ही, आत्मा थोड़ी है। महावीर तो व्यक्ति ही, आत्मा थोड़ी है। मोक्ष के लिए आत्मा की भजना की जरूरत हो, कि आत्मा को मोक्ष में जाना है, शरीर को तो मोक्ष में जाना नहीं है। शरीर को तो यहाँ जला दिया जाएगा, चाहे राम का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे महावीर का है। अगर आप महावीर की भक्ति करोगे मोक्ष कैसे होगा? तो शरीर की बात है, पुण्य जरूर मिलेगा तीर्थंकर के नाते, मगर मुक्ति तो नहीं होगी ना। मुक्ति तो खुद की भक्ति करनी पड़ेगी, खुद की पहचान करनी पड़ेगी, खुद को ही परमात्मा बनना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा खुद ही है। शरीर परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा है। जब दृष्टि प्रकट हो जाती है तो वो परमात्मा बन जाते हैं। मंदिर जाना वो हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ा साइंस है। घर और मंदिर, घर के अंदर सामाजिक व्यवहार होता है और मंदिर के अंदर धार्मिक व्यवहार होता है। घर के अंदर परिवार होता है और मंदिर के अंदर परमात्मा की मूर्ति विराजमान है। तो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, एक शक्ति मांगने के लिए, और एक आदर्श व्यक्ति का जीवन को याद करने के लिए, उनके पास प्रार्थना करने के लिए, उनके पास प्रायश्चित करने के लिए वहाँ जाते हैं, और वहाँ हर व्यक्ति अपनी मंगल कामना या मंगल भावना या प्रायश्चित करते हैं या प्रार्थना करते हैं। तो एक प्रकार का एनवायरनमेंट हो जाता है। तो इसीलिए मंदिर हमारे समाज में मानसिक रूप से लोग धार्मिक बने, पापों से बचे, पापों से डरे, इसके लिए ये धर्म के अंदर धर्म गुरुओं ने मंदिरों की स्थापना किया है। तो मंदिर की स्थापना वो गलत नहीं है, मगर इतना भी मंदिर नहीं होना चाहिए ताकि लोग मंदिर के अंदर जो भगवान है उसको ही भगवान मान के खुद के भगवान को ढूंढने का प्रयास ही बंद कर दें। इतने मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। मंदिर तो पहले भी थे, राम के समय भी मंदिर थे, कृष्ण के समय भी मंदिर थे, महावीर के समय भी मंदिर थे, सभी के समय मंदिरों थे, मगर मंदिर इतने नहीं थे कि हम खुद की खोज नहीं कर पाए। आज इतने सारे मंदिर बढ़ गए कि हमको खोज करने की समय ही नहीं मिलता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो कभी ये मंदिर में जाओ, कभी ये मंदिर में जाओ, कभी ये मंदिर में जाओ, यानी एक प्रकार का मानसिक शांति के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं।
तो उससे ऊपर नहीं उठते हैं, क्या नहीं करते हैं, ऊपर नहीं उठते हैं। तो मंदिर होना चाहिए, मगर अभी बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर एक साधना का स्थान होना चाहिए। यहाँ से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर मंदिर है, हम वीक में एक बार चल के जाएंगे या तो वीक में एक बार गाड़ी में जाएंगे तो हमारा थोड़ा उसके प्रति भाव रहेगा। रोज़ जाएंगे, रोज़ आएंगे तो बस वही मैकेनिकल क्रिया होती रहेगी, आपके भाव नहीं रहेंगे, मगर संतुष्ट रहेगा, मैं हर रोज़ मंदिर में जाके आधा घंटा भगवान के सामने बिताता हूँ। एक एक प्रकार का क्रिया का आनंद रहेगा, जो भाव है, हाँ क्रिया का आनंद रहेगा, भाव नहीं रहेगा। तो भाव होने के लिए मैंने कहा मंदिर कम होने चाहिए, मगर हमको कभी कभी जाएंगे और दूर होगा और जाएंगे तो हमारी आस्था वहाँ तक बनी रहेगी। ये तो क्या घर के बगल में मंदिर है, जाके वापस आ गए कुछ भी नहीं, वही का वही व्यवहार। तो इसीलिए जो सच्चा मंदिर तो ये है कि सच्चा मंदिर क्या है, जहाँ जो मंदिर है वो तो हमने स्थापित किया है और मंदिर के अंदर भगवान की स्थापना भी हमने किया है। सच्चा मंदिर तो ये है मन वचन काया का, जिसके अंदर सच्चे जीवित लाइव परमात्मा है। मगर ये मंदिर की पहचान अनुभवी ज्ञानी पुरुष के बिना हो नहीं सकती है। मंदिर यह है, परमात्मा अंदर है। और ये बात समझने के लिए हमारा मन, हमारी दृष्टि बहुत विशाल चाहिए। ये बात जब समझ में आएगी तब मालूम होगा कि ये मंदिर जो है मन वचन काया का मंदिर, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें परमात्मा लाइव है। क्या है? स्थापित है, वास्तव में है। वो मंदिर में तो हमने स्थापना किया है, यहाँ तो वास्तव में है, हम इस भूल उसको भूल गए, मगर वो तो उनका अस्तित्व तो है, वो नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। तो अंदर भगवान है, तो ये मंदिर है, मंदिर के अंदर परमात्मा को खोजोगे, वही सबसे बड़ा मंदिर है और वही हमारी अंतिम पुरुषार्थ और प्रार्थना होनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से हम मंदिर जाए तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मंदिर जाए तो वही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, आप और मैं दोनों एक ही है। कौन सी दृष्टि से? आत्मदृष्टि से। मगर मेरे को खुद की अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको व्यवहार से आपको वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मगर इसीलिए वंदन करता हूँ ताकि मेरे खुद के भगवान को मैं पहचान पाऊँ। इसके लिए मेरा को जो कुछ भी कर्म है, जो कुछ भी अज्ञान है, जो कुछ भी गलती है, मैं इसको मिटा सकूँ, ऐसी है परमात्मा आप मेरे को शक्ति दो ताकि मैं खुद ही अंदर परमात्मा को पहचान सकूं। यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। स्वामी जी, ये तप जप माला ये जरूरी है मुक्ति मार्ग के लिए, आध्यात्मिक के लिए? तप जप माला जरूरी मुक्ति के मार्ग के लिए नहीं, मगर सामाजिक कार्यों के लिए तो जरूरी है। समाज के अंदर जिस प्रकार के रोगी होते हैं, इसको मेडिसिन की जरूरत है, ऐसे ही ये सब मेडिसिन है। मन के रोगी है उनको लिए माला की ज़रूरत है, तन के रोगी है उनके लिए क्रिया की ज़रूरत है, और जवान की रोगी है उसको मौन की ज़रूरत है। सबका अलग अलग रोग है तो अलग अलग प्रकार की मेडिसिन है। क्या है? तो मेडिसिन को तो हम गलत नहीं बोल सकते, मगर इसको आध्यात्मिक बताओगे वो सही नहीं है। कोई बहुत बहुत बोल कर रहा है तो क्या कहेंगे, तुम रोज की 10 माला गिनो, तो क्या करेंगे, अपने आप मौन रहेगा। तो ये मेडिसिन है उनके लिए। किसका दिमाग बहुत घूमता रहता है तो बोला एक काम करो 108 माला गिनो, और जबान से बोलो कान सुने ऐसा, महावीर भगवान को नमस्कार करता हूँ, महावीर भगवान को नमस्कार करता हूँ, जबान से बोलेंगे यहाँ भी सुनेंगे तो अपने आप मन वहाँ रहेगा। तो ये मन की माला है। तन की माला क्या है? क्रिया करो तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुबह उठो, स्नान करके भगवान के पास जाओ, पूजा पाठ ये वगैरह कुछ क्रिया करोगे तो मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो ये अलग अलग प्रकार की मेडिसिन है। मेडिसिन को हम गलत नहीं बोल सकते, मगर मेडिसिन को मुक्ति का मार्ग बताओ वो सही नहीं है। मेडिसिन मेडिसिन है। क्या है? अगर मैंने सभी प्रकार के विटामिनों की गोली खा दिया तो क्या मैंने उनको मुक्ति मिल जाएगी? ये फिजिकल बात है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने योगा कर लिया तो क्या मेरे को मुक्ति मिल जाएगी? मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने मेडिटेशन किया मन की शांति के लिए तो मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, मन की शांति मिलेगी। तो ये सब अलग अलग प्रकार की क्या है? मेडिसिन है। तो मेडिसिन को हम डिनाई नहीं करते हैं, मगर उसको मुक्ति के मार्ग से मत जोड़ो। क्या बताया? वो आपके मन वचन काया का स्वास्थ्य है। क्या है?
स्वास्थ्य के लिए करते हैं तो बराबर थे, स्वार्थ नहीं स्वास्थ्य, आप उनकी अच्छाई के लिए करते हो। इसको मुक्ति के मार्ग से मत जोड़ो। मुक्ति मार्ग का मार्ग टोटल क्या है? आध्यात्मिक जो है। हाँ वो मुक्ति का मार्ग है।